हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में वॉलीबॉल से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस हैं एंड दोस्तों यह पार्ट टू है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो को देखने के बाद वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, 100% है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आप देखिए कि आपका स्कोर कितना हुआ, अभी आपका इस गेम से कितना क्वेश्चन तैयार नहीं है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि एमपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, आप मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए होंगे, तो टाइम बिल्कुल कम रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। एंड यूपी टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी एलटी ग्रेड का, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी यानी फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जहाँ किसी भी चैनल पे फ्री में इतना सब कुछ नहीं कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजों को थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया गया है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड 70-80-90 क्वेश्चन 90 वीडियो दिया गया है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के रिवीजन क्लास पर। और रिवीजन क्लास में जल्द ही फिर से लाने वाली हूँ, ये रिवीजन क्लास ही है आपका। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को पूरा देखिए एंड और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले ये वॉलीबॉल के बारे में बता रहे हैं। जब वॉलीबॉल गेम के बारे में बता रही हूँ तो फर्स्ट वीडियो में इनके इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिला दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, वॉलीबॉल की खोज 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने अमेरिका में किया था। इनको इस गेम को पहले मिंटू और नेंट के नाम से खेला जाता था। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है कि सिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है, सिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है, तो वॉलीबॉल से। एंड इससे रिलेटेड और कौन कौन से कप हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, एशिया कप एंड दोस्तों मापा कट्टू एमएम जोजस ट्रॉफी जो 1952 में पुरुषों के लिए मद्रास में स्टार्ट किया गया, महिला के लिए पूर्णिमा ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी, सिवांथी गोल्ड कप जिसका दिया हुआ है एंड एशिया कप, इंडिया स्वर्ण कप, सुपर चैलेंज कप, होमवर्क ओपन, ये सभी चीजें कप हैं आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIVB नियम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में होती है तो कितनी होती है दोस्तों। FIVB यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल यानी कि विश्व वॉलीबॉल संघ के तरफ से जो प्रतियोगिता होती है तो उसमें इंडोर छत की ऊंचाई होती है 12.5 मीटर, कितना होता है 12.5 मीटर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि FIVB के नियम के अनुसार वॉलीबॉल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है तो इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई जितनी होती है 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस कितनी होती है तो अंतरराष्ट्रीय के लिए विश्व वॉलीबॉल संघ के तरफ से जो प्रतियोगिता होती है उसमें 12.5 मीटर होती है, बट न्यूनतम ऊंचाई आपकी कितनी होती है वॉलीबॉल में तो 7 मीटर होती है, कितनी होती है न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस 7 मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस जो 7 मीटर है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए यह ऊंचाई कम से कम 12.5 मीटर होनी चाहिए। एंड बैडमिंटन के छत की ऊंचाई इंडोर स्टेडियम के लिए इंडोर खेल के लिए 9 मीटर होता है एंड बास्केटबॉल के लिए 7 मीटर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो वॉलीबॉल में लाइन की चौड़ाई 5 मीटर होती है एंड सबसे ज्यादा फुटबॉल की होती है कितना होता है 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर होता है।
उसके बाद आपका होता है हॉकी में 3 इंच यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद सभी का 5 सेंटीमीटर होता है। एंड बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर होता है। जैसा कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके बारे में कि वॉलीबॉल की शुरुआत 1895 विलियम जी मोर्गन द्वारा किया गया था। यह ऐसा खेल था जो हाथों से खेला जाता था। इस खेल का नाम वॉलीबॉल इसलिए पड़ा क्योंकि इस खेल में गेंद को जमीन पर टप्पा खाने नहीं दिया जाता था। गेंद ऊपर ही ऊपर हाथ के प्रहार से जाल के एक तरफ से दूसरी तरफ खिलाड़ियों द्वारा फेंकी जाती है। वॉलीबॉल खेल के मैदान कोर्ट की लंबाई 18 मीटर एंड चौड़ाई 9 मीटर होती है, 18×9 मीटर का। मैदान के रेखांकन में सभी लाइनों की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है, तो 18×9 मीटर का होता है, 18 मीटर लंबाई एंड 9 मीटर चौड़ाई। एंड 2-3 क्वेश्चन वही पूछा है आपका, इसलिए इसको नहीं देखते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होता है, तो वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण क्या होता है, तो निम्न कोण उछाल क्या होता है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण निम्न कोण उछाल होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इसके बारे में कि वॉलीबॉल में टॉप स्पिन निम्न कोण उछाल पैदा करता है जिससे बॉल की ऊंचाई तेजी से घटती है तथा विरोधी टीम को संभालने और रिबाउंड करने हेतु बहुत कम समय मिल पाता है। वॉलीबॉल के खेल में टॉप स्पिन का प्रयोग खिलाड़ी स्पाइकिंग या सर्विस के दौरान करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस सर्विस किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस सर्विस जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। इसके अलावा कौन कौन सा सर्विस है, कौन कौन से स्किल है वॉलीबॉल में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टेनिस सर्विस, पासिंग, फ्लैशिंग, चेस्ट पॉस, अंडर आर्म पॉस, ओवरहेड पॉस, स्पाइकिंग, अटैक, स्मैशिंग, बूस्टिंग, ब्लॉकिंग, रिवर्स नेट बॉल आदि इससे रिलेटेड है। एंड टेनिस सर्विस जो है वॉलीबॉल के मूल कौशलों में से एक है। इसमें सर्विस करने वाले खिलाड़ी की गतिविधि ठीक वैसी होती है जैसे कि टेनिस खेल में सर्विस करते हुए खिलाड़ी की। सर्विस देने वाला खिलाड़ी सर्विस एरिया में खड़ा होता है, उसका एक पैर दूसरे पैर से आगे होता है तथा शरीर के आगे का भाग चेहरा नेट की तरफ होता है। स्मैश, स्पाइकर, टेनिस सर्विस, रोटेशन, हुक सर्विस, फोरआर्म पॉस, ब्लॉकिंग, वॉली पॉस, डिग पॉस, स्विच, बूस्टर आदि शब्दावलियां वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, तो इसमें हो जाएगा ओवरहेड पास आपका वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से एंटीना किसका भाग है, तो एंटीना वॉलीबॉल का भाग है, तो एंटीना वॉलीबॉल का भाग है। एंटीना जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है जो नेट के दोनों ओर एक लंबवत दो लचीली छड़ियों का विस्तार होता है और बाल को एंटीना के बीच से गुजरना आवश्यक होता है। इसका रंग लाल एवं सफेद होता है। दोस्तों जो एंटीना होता है एक मीटर 80 सेंटीमीटर का होता है जिसमें 1 मीटर नेट में होता है और 80 सेंटीमीटर जो है नेट के ऊपर होता है। 10 सेंटीमीटर लाल व 10 सेंटीमीटर सफेद इस कलर में रंगा हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रंग होता है, तो क्या रंग होता है, लाल एंड सफेद कलर। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है कि किस खेल में एंटीना देख सकते हैं, तो वॉलीबॉल में। एंड फिर वही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है, तो दोस्तों वॉलीबॉल में गेंद का वजन 260 ग्राम से 280 ग्राम होता है। तो इस ऑप्शन में से इसका निकटतम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 270 से 280 ग्राम।
यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें लिखा गया है कि गेंद का भार 260 से 280 ग्राम होता है। गेंद का जो रंग होता है बहुरंगी होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो गेंद की परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर एंड पुरुषों के लिए जो जाल होता है उस भूमि से ऊंचाई 2.43 मीटर होता है और महिलाओं के लिए जाल की ऊंचाई 2.24 मीटर होता है। एंड टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो हैंडबॉल का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है दोस्तों, 425 से 475 ग्राम, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। एंड बास्केट फुटबॉल का वजन 456 से 453 ग्राम होता है। तो यहाँ पे इसका निकटतम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बी का 410 से 450 ग्राम। एंड सी है बास्केटबॉल का वजन महिला के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 510 से 567 ग्राम। वैसे तो इसका 600 से 650 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल का वजन कितना होता है, तो 260 से 280 ग्राम होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र लंबा होता है। तो दोस्तों जितना चौड़ा ग्राउंड होता है वॉलीबॉल का, सर्विस क्षेत्र भी उतना ही लंबा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 9 मीटर। वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र कितना लंबा होता है, 9 मीटर लंबा होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें दिया गया है कि नए सामान्य नियम के अनुसार वॉलीबॉल खेल में सर्विस क्षेत्र 9 मीटर लंबा होता है। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 18×9 मीटर होती है एंड जिसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ी फ्री जोन से घिरा होता है, यानी कि ग्राउंड के बाहर चारों तरफ 3 मीटर फ्री जोन होना चाहिए, स्पेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल में पाया जाता है। तो लिब्रो वॉलीबॉल में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ बातें लिब्रो से संबंधित दिया गया है कि लिब्रो जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वह केवल पीछे की पंक्ति का विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। वह बाल को आक्रमण क्षेत्र से स्मैश नहीं कर सकता एंड उसकी यूनिफॉर्म भी बाकी खिलाड़ियों से अलग होती है। वह रोटेशन में भाग नहीं ले सकता। वह कहीं से भी आक्रमण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे वह कोर्ट में हो या फ्री जोन में। यह खिलाड़ी न सर्विस कर सकता है, न ब्लॉक में भाग ले सकता है तथा न ही आगे के क्षेत्र में स्मैश हेतु गेंद तैयार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों वह सर्विस नहीं कर सकता, ये कथन आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है और सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी का क्या नहीं कर सकता, तो वह सर्विस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी न ब्लॉकिंग कर सकता है, न सर्विस कर सकता है, न कप्तानी कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों वॉलीबॉल में एक टीम को एक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड के मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा कि यहाँ पे 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकेंड का दिया जाता है। एंड वॉलीबॉल में एक टेक्निकल पॉइंट भी होता है, टेक्निकल टाइम आउट भी होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट की अवधि 60 सेकेंड होती है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि वॉलीबॉल मैच में 1 सेट से 4 सेट तक प्रति टीम 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड के ले सकती है। वॉलीबॉल का भार 260 से 280 ग्राम और बॉल की परिधि 65 से 70 सेंटीमीटर होता है।
नेक्स्ट है आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किया था विलियम जे मॉर्गन ने 1895 में अमेरिका में एंड ए होलियोक स्थित YMCA के जिम्नेजियम में शारीरिक शिक्षा निदेशक थे एंड 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुआ है एंड राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में यानी कि हुआ है एंड अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ FIVB का और वर्तमान में इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में लंड में है एंड भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया, तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया कब किया गया 1947 में, 1947 में। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, सभी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है दोस्तों, तो अमेरिका है। 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 पेरिस में हुआ और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है एंड इसके वर्तमान अध्यक्ष एरी ग्रेस फिल्हो हैं जो प्रथम फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है, तो वॉलीबॉल में पर एक टीम को एक सेट में 2 टाइम आउट 30 सेकेंड के मिलती है जो खेल रुकने और सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन इसके बारे में कि वॉलीबॉल में अधिकतम 2 टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है जिसकी अवधि 30 सेकेंड होती है। अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 60 सेकेंड के 2 अतिरिक्त तकनीकी यानी टेक्निकल टाइम आउट लिए जा सकते हैं जब लीडिंग टीम 8 या 16 अंक पर पहुंचती है, परंतु निर्णायक 5वें सेट में कोई टाइम आउट नहीं लिया जा सकता। ये ध्यान में रखिएगा, 5वें सेट में कोई टाइम आउट नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है दोस्तों, तो 60 सेकेंड का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी और कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि वॉलीबॉल टीम के 6 खिलाड़ी एक समय में भाग ले सकते हैं, टीम 6 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं तथा कोई भी एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी नियुक्त कर सकता है जिसे लिब्रो कहा जाता है। नेक्स्ट है बूस्टर संबंधित है, तो दोस्तों बूस्टर जो है वॉलीबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे बूस्टर होता क्या है, देखिए बूस्टर वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वह खिलाड़ी जो स्मैशर के लिए बॉल को ऊपर उठाता है वह बूस्टर कहलाता है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 एंड अतिरिक्त खिलाड़ी 6 होते हैं। इस प्रकार कुल टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों अटैक लाइन जो है वह वॉलीबॉल से संबंधित है। अटैक लाइन किससे रिलेटेड है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। एंड इसका कोर्ट जो है मैदान 18x9 मीटर का होता है एंड इसका जो होता है कोर्ट के बीच सेंटर लाइन होता है जो नेट के ठीक नीचे एक साइड लाइन से दूसरे साइड लाइन तक बढ़ती है। सेंटर लाइन के दोनों ओर दाएं बाएं अटैक लाइन 3 मीटर होता है एंड सेंटर लाइन के दोनों ओर 9 मीटर दूर इंड लाइन अंतिम रेखा होती है। अंतिम रेखा के पीछे 9 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र होता है, सर्विस एरिया कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों अटैक लाइन किससे संबंधित है, तो अटैक लाइन किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे है, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है, तो यहाँ पे बोनस लाइन, बक लाइन, अटैक लाइन, सर्विस लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अटैक लाइन जो होती है वह वॉलीबॉल से संबंधित है
एंड बोनस लाइन, वर्क लाइन कबड्डी से संबंधित है, तो यहाँ पे सर्विस लाइन भी तो हो जाएगा सर दोस्तों, वॉलीबॉल से सर्विस लाइन भी तो वॉलीबॉल से रिलेटेड हो जाएगा, बोनस लाइन वर्क लाइन तो कबड्डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो सेंटर लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंटर लाइन। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जाना जाता है, तो वॉलीबॉल में जो स्मैकिंग होता है, स्मैशिंग होता है, उसको स्पाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बीच वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अब इसके बारे में दिया हुआ है कि बीच वॉलीबॉल वॉलीबॉल का एक रूप है, बीच वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एंड वॉलीबॉल का एक एंटीना लाल सफेद रंग का होता है, यह दोनों टीमें दो दो सेट जीतकर बराबरी पर आ जाए तो पांचवा अंतिम सेट 2 अंक की कम से कम बढ़त के साथ 15 अंक तक खेला जाना चाहिए। इसमें 5 सेट होते हैं वॉलीबॉल में, जिसमें से 4 सेट 25 अंक का, अपन पांचवा सेट 15 अंक का, 2 अंक की बढ़ोतरी के साथ जिसका अंक आएगा वही विजेता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल में कितने स्थानापन्न होते हैं, 6 खेलने वाले होते हैं, 6 स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं और 6 अतिरिक्त खिलाड़ी, 6 खेलने वाले, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें जाल की चौड़ाई लंबाई जो होती है, जो बीच में जाल लगा होता है, लंबाई 9.50 मीटर यानी 9.5 मीटर एंड चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है। इसमें जो खाने होते हैं 10x10 के होते हैं एंड पुरुषों के लिए जाल की ऊंचाई भूमि से 2.43 मीटर एंड महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होता है। नेट है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई होती है 2.24 मीटर। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.43 मीटर। कितनी होती है? 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दोस्तों जैसे कि सेंटर लाइन 9 मीटर आपका चौड़ा होता है, तो जो पोल होता है सेंटर लाइन से साइड लाइन से 1-1 मीटर दूरी पर गाड़ा जाता है, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर, 2 मीटर हो गया, 9 मीटर वो हो गया, तो 9 × 2 = 11, यानी कि दोनों पोल के बीच की दूरी कितना हो जाता है, 11 मीटर। कितना हो जाता है? 11 मीटर, ठीक है। अब पोल की ऊंचाई कितनी होती है, तो वॉलीबॉल खेल में मैदान की सतह से पोल की ऊंचाई जो है 2.55 मीटर होती है, दोनों पोल साइड लाइन के से 3 फीट यानी 1 मीटर के मीटर बाहर होते हैं और साइड लाइन के मध्य की दूरी 9 मीटर होती है, अतः दोनों पोलों के मध्य की दूरी जो होता है 11 मीटर 9+1+1 होती है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉल की ऊंचाई 12.5 मीटर होता है, ऐसे 7 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वॉलीबॉल क्षेत्र आयताकार जिसकी माप 18.9 मीटर, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा स्वतंत्र क्षेत्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र क्षेत्र की साइड रेखाओं से कम 5 मीटर चौड़ा होता है और अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं से कम 8 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि यह यदि खेल किसी हाल में खेला जाए तो उसका हाल की ऊंचाई कम से कम 7 मीटर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ऊंचाई जो इंडोर खेल की होती है, इंडोर स्टेडियम की, वह 12.5 मीटर होना चाहिए। ऐसे खेला जाए तो 7 मीटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाए तो 12.5 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नए नियम के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम कितने पॉइंट होते हैं, तो नए नियम के अनुसार एक गेम के पहले 4 सेटों में 25 पॉइंट होते हैं और पांचवा सेट में 15 पॉइंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में ओवरहैंड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म, फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहैंड, फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सभी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वॉलीबॉल में। किसमें? वॉलीबॉल में।
तो इसमें साधारण सर्विस, टेनिस सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहैंड फ्लोटिंग सर्विस एंड ओवरहैंड सर्विस जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल पास देने में, सिर से ऊपर यदि बॉल को पास दे रहे हैं तो यहाँ पे दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है, यानी कि ओवरहेड पास देने के लिए दोनों हाथ चेहरे के सामने, कोहनियाँ मुड़ी हुई तथा शरीर के काफ़ी पास होनी चाहिए, माथे के सामने तथा उंगलियों की टिप्स से पास देना चाहिए, ऐसा करते हुए घुटने तथा बाजू पास देने की दिशा में खुलने चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में 44 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये पार्ट वन पार्ट टू मिलाकर के वॉलीबॉल के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है, आपको प्रैक्टिस कराया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। दोनों पार्ट को आप 2-3 बार देख लीजिए, अवश्य यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और इसी तरह मैं डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो भी फ्री में, कोई फी नहीं है। तो दोस्तों फटवा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।